इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली में एक्सिस बैंक पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। एक्सिस बैंक के कश्मीर गेट ब्रांच पर हुई है ये छापेमारी। 3.5 करोड़ की नई करेंसी को लेकर पूछताछ की जा रही है। एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर से हो रही है ये पूछताछ। सोने के बिस्किट लेकर करेंसी बदलने का सनसनीखेज इल्जाम लगा है। बैंक मैनेजर के घर पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में एक्सिस बैंक पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। वरुण जैन हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गया है। वरुण, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने कल करीब 27 लाख रूपये बरामद किए थे नई करेंसी में से। उसके बाद इनकम टैक्स को इस पूरे मामले की जांच दे दी गई थी। आगे जांच के बाद सामने अभी तक आई है कि जो कश्मीरी गेट इलाके की जो एक्सिस बैंक की जो ब्रांच है उसी के जो कर्मचारी और उसके मैनेजर इन लोगों ने मिली भगत करके एक बड़े अमाउंट को नई करेंसी में बदलने का की बात सामने आई है। और ये बात भी अभी तक सामने आई है कि इन्होंने कमीशन में इसके बदले में गोल्ड लिया था। और यही वजह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक्सिस बैंक की जो ब्रांच है वहाँ पे छापेमारी की है। साथ में बता दूं इसी के कनेक्शन में आज दिल्ली के पूजा मानी इलाके में भी छापेमारी चल रही है, जहाँ पे बड़े जो सराफा व्यापारी है वो उनका काम होता है। जी वरुण, इस मामले में और क्या आने वाले वक्त में कुछ खुलासा भी हो सकता है? जी हाँ, देखिए, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है कि अभी तक ये बात सामने आ रही थी कि लोग अलग अलग तरीकों से जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बैंक के ही कर्मचारियों की जो इस तरीके की मिली भगत है, इससे एक लंबी चेन कनेक्ट हो सकेगी कि आगे क्या इससे पहले भी किसी रकम को इन्होंने इस तरीके से ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट किया और जो नई करेंसी में पैसे उसके बदले में दिया है। तो अभी पुलिस की जांच चल रही है, वो इनकम टैक्स की जांच चल रही है। आपको बता रहा हूँ, साथ में ही इसी मामले से जुड़ते हुए दिल्ली इनकम टैक्स विभाग ने जो पूजा मार्केट में जहाँ पे सराफे का व्यापार होता है, सोने चांदी का काफी बड़ा कारोबार होता है, वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। जी, जाहिर तौर पर अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला, शायद ही अपने आप में पहला मामला है जब इस तरह की धोखाधड़ी का मामला सामने आया हो। और जिस बैंक मैनेजर के घर पर छापेमारी हुई है उसके बारे में क्या जानकारी वरुण हमारे पास? देखिए, बिल्कुल, पहले उनके घर पर छापेमारी हुई थी, उसके बाद यहाँ पर बैंक की ब्रांच में छापेमारी हुई है। और साथ ही जब इनसे पूछताछ के बाद कुछ पूजा मारने के व्यापारियों का नाम भी सामने आया था, उनकी दुकान पर भी छापेमारी की गई। रात को पूजा मारने की दुकानों में भी छापेमारी की गई। पूरी चेन है जिसमें इनकम टैक्स विभाग ने जो लोग पकड़े गए थे करेंसी के साथ, उनसे पूछताछ के बाद ये पूरी छापेमारी की। हालांकि भी बेहद चंकर खबर आ रही है किस तरीके से पूरा ये चेन काम कर रही थी, इसकी डिटेल्स अभी पूरी चेन काम कर रही थी और आने वाले